मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक नहायत आराम टोटका बताऊंगी। ये टोटका जले हुए दूध या खीर की जलने की बू दूर करने के लिए है। जैसे कि हमने खीर बनाई थी और ये खीर जल गई और इसमें से बू आ रही है। अब हम इसमें ये पान के पत्ते डालकर इसको पकाएंगे। दो या तीन अदद पान के पत्ते डालकर पकाएं तो इसमें से जलने की बू दूर हो जाएगी। दूध या खीर के लिए ये दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चले आए, अब हम इसको पान के पत्तों को खीर में डाल के पका के आप लोगों को मैं चेक कराती हूँ। चले आए, अब हम इसको पत्तों को पान के पत्तों को इसमें डाल के थोड़ी देर के लिए पकाते हैं और इसमें से जलने की बू दूर करने के लिए। पांच मिनट तक पकाएं। ये देखें, पांच मिनट पकाने के बाद इसमें से बिल्कुल जलने की बू नहीं आ रही। इसको जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।